जो हमने देखा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताया कि कौन से सोर्सेज से हम फंड लेते हैं तो उसकी कितनी कॉस्ट आती है यहाँ पे हम बात करें डेप्ट की डेप्ट में आपके आते हैं सिक्योरिटीज़ जो जिसमें कि आपके बॉन्ड्स डिवेंचर्स होते हैं तो यहाँ पे हम बेसिकली कैलकुलेट करते हैं कि जब भी हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो उसकी कितनी कॉस्ट आएगी उसको कैलकुलेट करते हैं तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट के बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं फर्स्ट आता है एनुअल इंटरेस्ट कि आप कितना इंटरेस्ट उन डिवेंचर होल्डर्स को पे करें आपने देखा है कि डिविडेंट जब भी आप देखते हैं तो उसके आगे लिखा होता है फाइव परसेंट टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट तो वो उसकी इंटरेस्ट रेट को बताता है साथ में आप कुछ उनको डिस्काउंट या प्रीमियम पे इशू करते हैं जब भी आप इनिशियली इशू करें प्रीमियम मतलब कि जो डिवेंचर का प्राइस है उससे ज़्यादा और डिस्काउंट मतलब कि उससे कम तो जो डिवेंचर्स होते हैं मेनली वो दो टाइप्स के होते हैं रिडीमेबल और इ पहले हम देखते हैं इ रिडिमेबल डिवेंचर्स वो डिवेंचर्स जिनका पेमेंट आपको लाइफ टाइम में नहीं करना है वो इिडिमेबल डिवेंचर्स होते हैं कंपनी को उनका पेमेंट जब कंपनी अपने आप को कैश में कन्वर्ट करवा रही है लिक्विडेशन के टाइम पे करती है वरना नहीं करती है ये एक्सपायर नहीं होते हैं बस इन डिवेंचर्स होल्डर को आप इंटरेस्ट पे करते हैं और जो रिडिमेबल डिवेंचर्स होते हैं उनका आप स्पेसिफिक मैच्योरिटी पीरियड के बाद आप जो अमाउंट आपने लिया वो भी पे करते हैं और आप उनको इंटरेस्ट भी रेगुलरली पे करते हैं तो जो इ रिडिमेबल डिवेंचर्स होते हैं उसका फार्मूला होता है के आई इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई एन पी के आई बताता है प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेप्ट को अगर आपके पास टैक्स नहीं है तो यही के डी हो जाता है मतलब कॉस्ट ऑफ डेप्ट हो जाता है पर टैक्स रेट है तो ये के आई होता है इसका फॉर्मूला इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड या नेट प्राइस नेट प्राइस जब आप आपके डिवेंचर के प्राइस में से जो भी डिस्काउंट्स है प्रीमियम से फ्लोटेशन कॉस्ट है सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद जो प्राइस आता है वो आपका आता है नेट प्राइस के अंदर मतलब डिवेंचर का पार वैल्यू अगर वो प्रीमियम पे इशू हुआ तो आप उसको ऐड कर देंगे डिस्काउंट पे तो उसको माइनस कर देंगे फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब जो भी आपने कमीशन ब्रोकरेज दिए हैं वो भी इसके अंदर माइनस हो जाएंगे अगर टैक्स आपको दे रखा है क्वेश्चन में तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट के बाद वन माइनस टी हो जाता है जिससे कि आपका के निकलता है मतलब कॉस्ट ऑफ डेफ्ट कैलकुलेट करते हैं आप इससे अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं जैसा कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ डेप्ट एक्स लिमिटेड इशू टेन परसेंट इिडीमेबल डिवेंचर ऑफ रुपीज़ वन लैक पार वैल्यू ऑफ डिचर इज हंड्रेड रुपीज फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफ डिवेंचर हैज बिन इशूड हमने यहाँ पे तीन कंडीशन लिए या तो डिवेंचर एट पार मतलब जितने प्राइस में है यहाँ पे आपको हंड्रेड रुपीज दे रखा है तो हंड्रेड पे इशू है एट डिस्काउंट मतलब हंड्रेड का टेन परसेंट निकालेंगे तो वो आपका आएगा नाइन्टी और प्रीमियम मतलब कि हंड्रेड का टेन परसेंट आप इसमें ऐड करेंगे तो वन वन टेन तो इन तीनों कंडीशन में हम कॉस्ट ऑफ डेप्ट को निकालेंगे तो आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ डेप्ट यहाँ पे हमको टैक्स रेट नहीं दी है तो उसका फॉर्मूला है इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्राइस अब एट पार पे हमारा नेट प्राइस हंड्रेड ही है एट डिस्काउंट पे हंड्रेड माइनस हम कितना कर देंगे अगर आप 100 का 10 परसेंट निकालते हैं तो टेन रुपीज होता है तो ये आपका वैल्यू हो गया 90 वहीं 100 का 10 परसेंट प्रीमियम मतलब कि वो ज्यादा पेश हुए हैं तो आपको वन वन ट तो पहली कंडीशन में एट पार पे आपका हो जाता है इंटरेस्ट रेट हमको दिया है टेन परसेंट तो ये आपका हुआ इंटरेस्ट टेन हमको हमेशा आंसर परसेंटेज में चाहिए तो हम मल्टीप्लाई करेंगे हंड्रेड से अगर आप देखेंगे हंड्रेड डिवाइड करेंगे आप इससे मतलब कि एक हजार डिवेंचर्स आपके इशू हुए हैं तो जब भी आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो हमेशा पार वैल्यू पर ही होता है चाहे आप उनको डिस्काउंट पर इशू करें या प्रीमियम पे तो आप एक लाख रुपए का टेन परसेंट निकालेंगे तो ये आपका आता है टेन थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड और एन पी इस कंडीशन में हमारा एक लाख की होगा एक पार है तो कॉस्ट ऑफ़ डेप्ट आ गई आपकी टेन परसेंट सेकेंड कंडीशन आती है हमारी एट डिस्काउंट हमने बोला इंटरेस्ट हमेशा पार वैल्यू पे होगा तो यहाँ पे भी टेन थाउजेंड आपका इंटरेस्ट हो गया मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड जो आपकी नेट प्राइस होती है उसमें से हम डिस्काउंट को माइनस करते हैं मतलब नाइन्टी रुपीज हो गया तो अगर आप देखेंगे वन थाउजेंड शेयर्स का तो ये आएगा नाइन्टी थाउजेंड एलेवन पॉइंट वन परसेंट तो ये आपका कॉस्ट ऑफ डेप्थ हो गया जब हम इसी को प्रीमियम पर इशू करेंगे तो आपका होगा टेन थाउजेंड इंटरेस्ट सेम में एट पार वैल्यू जो आपका प्राइस हो जाएगा नेट प्रोसीड का उसमें आप टेन परसेंट से एड कर देंगे इन तो आपका आ जाएगा नाइन पॉइंट जीरो नाइन परसेंट तो आपने देखा कि एट पार एट डिस्काउंट एट प्रीमियम तीनों कंडीशन में जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट किस तरीके से निकलता है अगर यहाँ पर टैक्स होता तो हम इस फॉर्मूले यहाँ पर वन माइनस टैक्स रेड कर देते जिससे कि हम आफ्टर टैक्स का प्राइस निकाल सकते हैं इसी में हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसमें आपको फ्लोटेशन कॉस्ट दे रखी है कुछ वेरिएशन के साथ हम देखते हैं अभी तक हमने सिंपल क्वेश्चन दिखा था खन्ना लिमिटेड हैज इशू थर्टी थाउजेंड इन रिडीमेबल डिवेंचर्स फोर्टीन परसेंट ऑफ रुपीजन इच द कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन ऑफ डिवेंचर इज फाइव परसेंट ऑफ दोटल इशूड अमाउंट द कंपनी टैक्सेशन रेट इज फोर्टी परसेंट कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ टैप खन्ना लिमिटेड ने तीस हजार डिवेंचर को इशू किया फोर्टीन परसेंट उसका इंटरेस्ट रेट है इच उसका प्राइस है फाइव की फ्लोटेशन कॉस्ट लग रही है मतलब इसको हम माइनस करेंगे और जो टैक्स रेट है वो 40% है तो हम पहले यहाँ पे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे 30,000 शेयर्स है वन फिफ्टी के अकॉर्डिंग इनटू हो गया हमारा फोर्टीन परसेंट तो इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो आपका अमाउंट आएगा सिक्स लेख थर्टी थाउजेंड जो फेस वैल्यू है वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब कि फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड होगी अब बोला गया कि इन डिवेंचर्स पे फाइव परसेंट की आपकी कॉस्ट लगी है तो इस पे हम फाइव परसेंट कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका अमाउंट आएगा टू लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का उसको हम इससे माइनस कर देंगे फोर टू सेवन फाइव आपका अमाउंट या हो गया आपका एन पी अब हम इसको कैडी के फॉर्मूले में रख देंगे जिसका फॉर्मूला होता है आई वन माइनस टी डिवाइडेड बाई एन पी इन हंड्रेड अब आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट है हमारा सिक्स लैख थर्टी थाउजेंड डिवाइड करेंगे हम एन पी वन माइनस हमारा टैक्स रेट था फोर्टी परसेंट तो जीरो पॉइंट फोर जीरो मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो ये आ जाएगा 0.6 आपका और 0.6 को हम इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 378,000 सेवेंटी एट थाउजेंड डिवाइडेड बाई फोर्टी टू सेवेंटी तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका आता है 8.84 परसेंट तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि खन्ना लिमिटेड ने 30,000 हजार डिवेंचर्स फोर्टीन परसेंट इंटरेस्ट रेट पे 150 के प्राइस से इशू किए जिसमें की 5 परसेंट की फ्लोटेशन कॉस्ट थी साथ में पे टैक्स रेट भी दे रखा है तो हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको पता चल गया कि इंटरेस्ट तो पार वैल्यू पे ही कैलकुलेट होगा तो तीस हजार इंटू वन तो ये आपकी आती है फेस वैल्यू फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड उस पर हमने फोर्टीन परसेंट डिवेंचर का इंटरेस्ट निकाला तो सिक्स लैख थर्टी थाउजेंड आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं साथ में इसमें फाइव परसेंट की फ्लोटेशन कॉस्ट है जिसको कि हमको माइनस करना है वो हमने निकाला तो हमारा एन बना इसको हम सिंपली फार्मूले में रख देंगे वन माइनस टैक्स आपको फोर्टी परसेंट दे रखा था तो आप परसेंट को हटाएंगे तो जीरो पॉइंट फोर बनेगा डिवाइडेड बाय एनपी और हमको परसेंटेज में आंसर चाहिए इसलिए हम हंड्रेड से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आता है एट पॉइंट एट फोर या अभी तक हमने देखा इन रिडिमेबल डिवेंचर्स का अब हम देखते हैं रिडीमेबल डिवेंचर्स के बारे में रिडीमेबल डिवेंचर्स वो लोन एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि आपको एग्जैक्ट टर्म और एग्जैक्ट टाइम के बाद उनका पेमेंट करना होता है मतलब आप कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए इन डिवेंचर्स का यूज़ करते हैं मतलब पाँच साल दस साल बीस साल हो सकते हैं जब इनकी मैच्योरिटी डेट होगी तब आपको जितना आपने अमाउंट लिया है वो प्रिंसिपल अमाउंट पे करना है साथ में रेगुलरली आपको उनको इंटरेस्ट भी पे करना होता है तो इस कंडीशन में कॉस्ट ऑफ डेप का फॉर्मूला आता है इंटरेस्ट वन माइनस टैक्स प्लस आर ये रिडीमेबल वैल्यू को बताता है जो कि आप मैच्योरिटी डेट मतलब जब तक आपको यूज करना है दस साल बीस साल का है उसके बाद पे करनी है प्लस एनपी जो अभी उन डिवेंचर्स को इशू करके आपको प्राइस मिल रहा है वैल्यू मिल रही है वो डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ इयर्स मतलब कितने साल के लिए आप उन डिवेंचर्स को इशू कर रहे हैं डिवाइडेड बाय आर वी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय टू जब आप डिवेंचर्स का पेमेंट लेते हैं और देते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि उसने प्राइस की वैल्यू सेम रहेगी बहुत सारे फैक्टर्स लाइक टाइम वैल्यू ऑफ मनी अफेक्ट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले को बनाया गया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि कैडी कॉस्ट ऑफ डेप्ट को बताता है आई इंटरेस्ट वन माइनस टी टैक्स रेट को बताता है आरबी रिडीमेबल वैल्यू को बताता है एनपी नेट प्राइस को बताता है या नेट प्रोसीड और एन नंबर ऑफ इयर्स को इसके अकॉर्डिंग हम एक एग्जाम्पल देखते हैं बी लिमिटेड वॉन्ट टू इशू टेन लैक रुपीज और रुपीज हंड्रेड

इशू किया गया है एट परसेंट ये उसका इंटरेस्ट रेट फाइव परसेंट डिस्काउंट पे है रीपेबल आपका टेन इयर्स के बाद में है साथ में कंपनी चार रुपये पर शेयर फ्लोटिंग कॉस्ट एक्सपेंसेस पे करिए थर्टी परसेंट का टैक्स है तो उसके अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट है वो है हमारा एट परसेंट का वन माइनस टैक्स रेट है थर्टी तो जीरो पॉइंट थ्री जीरो प्लस जो रिडीमेबल वैल्यू है वो आपकी होगी हंड्रेड माइनस जो एनपी एन पी आपका बताता है कि हंड्रेड रुपीज़ यहाँ पर बोला गया है कि पाँच जो परसेंट है उसका डिस्काउंट है तो वो हम माइनस करेंगे साथ में चार रुपये का आपका एक्सपेंसेस है फ्लोटेशन कॉस्ट के तो उसके अकॉर्डिंग ये नाइन्टी वन रुपीज़ आपका एन पी आता है तो हमने यहाँ पर लिखा नाइन्टी वन ये टेन ईयर्स के लिए है मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड क्योंकि हमको परसेंटेज में आंसर चाहिए यहाँ पे भी होगा हंड्रेड प्लस नाइन्टी वन Divided बाई टू तो इसका हम माइनस करेंगे तो जीरो पॉइंट सेवन इसको इससे माइनस किया तो आपका आता है नाइन उसको डिवाइड करेंगे हम टेन से तो जीरो पॉइंट नाइन इन दोनों को हम ऐड करके टू से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा नाइन्टी फाइव पॉइंट फाइव जीरो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे फाइव पॉइंट सिक्स प्लस जीरो पॉइंट नाइन जीरो तो इसका आपका आंसर आता है सिक्स पॉइंट एट वन परसेंट तो ये आपकी आती है कॉस्ट ऑफ डेप्ट रिडीमेबल डिवेंचर्स की कंडीशन में तो इस वीडियो में आपने देखा कि कॉस्ट ऑफ डेप्ट क्या होता है ई रिडीमेबल डिवेंचर्स के लिए आपका फॉर्मूला था इक्वल टू इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एन पी अगर टैक्स रहता है तो वन माइनस टी कर देते हैं वही रिडीमेबल डिवेंचर्स की कंडीशन में इज इक्वल टू आई ब्रैकेट में वन माइनस टी प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइडेड बाय एन फिर पूरे को हम डिवाइड करेंगे आर वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाई टू से वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं थैंक यू